हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एक दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं। ओके, तो वही फॉर्मूले हमारे यहाँ डायरेक्ट यूज होंगे, तो आइए स्टार्ट करते। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देखें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। ओके, तो देखो क्या करना है। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, देखो स्टेप वन में जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको क्या मानते हैं, वाई। तो वाई इक्वल कॉस एक्स, ओके, डॉट कॉस टू एक्स, डॉट कॉस थ्री एक्स। ओके, सिंपल स्टेप वन में ये करना है। स्टेप टू क्या होता है हमारा, स्टेप टू में टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, सिंपल क्या लेना है, लॉग लेना है बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे लॉग वाई इक्वल लॉग, और ये टर्म पूरी मल्टीप्लाई में, यानी कॉस एक्स डॉट कॉस टू एक्स डॉट कॉस थ्री एक्स। सिंपल, इतना समझ आए। स्टेप थ्री क्या बताया था, अब देखो उसमें मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि लॉग ए बी सी अगर कोई भी ऐसे हैं तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। ओके, तो यहाँ देखो लॉग एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये देखो कैसे सॉल्व करना है, स्टेप थर्ड में, थर्ड नहीं सेकेंड नहीं, देखो सॉल्व करना है सिंपल। तो क्या करना है, इसमें लॉग ए मल्टीप्लाई में, यानी कि लॉग ए बी एंड सी बोल सकता हूँ ना, तो सिंपल क्या होगा, लॉग कॉस एक्स, ओके, प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। इतना समझ आया। अब देखो स्टेप फोर थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या रहेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। ओके, अब देखो डिफ्रेंशिएट ऑफ लॉग क्या होगा, वन अपॉन वाई। अब वाई का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चेन रूल जरूर लगेगा। तो यहाँ वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपल, अब देखो ये प्लस में तो अलग हो जाएंगे, लॉग का क्या होगा, लॉग, और ये मानो एक्स, यानी एक टर्म है, तो क्या होगा, वन अपॉन में कॉस एक्स। यानी कि लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, लॉग के साथ जो भी टर्म है वो डिवाइड में आ जाती है। अब चेन रूल लगाएंगे तो कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। इतना समझ आया। अब देखो प्लस है तो प्लस, इसका क्या होगा, वन अपॉन में कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का क्या उतना हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स। ओके, अब टू एक्स का भी करेंगे तो क्या आएगा, टू मल्टीप्लाई में। इतना समझ आया। प्लस सेम यहाँ पर, तो वन अपॉन में कॉस थ्री एक्स। ओके, अब क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन थ्री एक्स, है ना। अब थ्री एक्स का करेंगे तो थ्री, चेन रूल लगेगी यहाँ पर। ओके, ये आपको दिखाना बना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन काफ़ी कर लिया ऐसे, तो हमें पता है चेन रूल कहाँ कहाँ लगनी है। ओके, तो इतना समझ आया। अब देखो नेक्स्ट है, वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये टर्म एज इट इज रहेगी। देखो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा मेरा, टेन, साइन अपॉन में कॉस माइनस का टेन एक्स। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ कितना आएगा, टू साइन अपॉन में कॉस टेन टू एक्स, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि थीटा सेम है। अब देखो माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में कॉस थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, एंड थ्री क्या है, मल्टीप्लाई में। इतना समझ आया। अब देखो सिंपल क्या करना है, स्टेप फोर रहता है मेरा वाई को इस तरफ लेके जाना। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, देखो वाई क्या होगा, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई, माइनस का मैं बाहर ले सकता हूँ, माइनस लिख दिया। ओके, अंदर देखो क्या आएगा, टेन एक्स प्लस का टू टेन टू एक्स प्लस का थ्री टेन थ्री एक्स। अब देखो वाई मैंने किस टर्म को माना था, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, तो वो टर्म मैं यहाँ लिख दूंगा वाई की जगह। ओके, तो देखो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस, वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, कॉस एक्स डॉट कॉस टू एक्स डॉट कॉस थ्री एक्स। ओके, और ये पूरी टर्म एज इट, यानी टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। बस इसमें क्या है, स्टेप है हमारे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, गिवन इक्वेशन को वाई के इक्वल ऐड करना है, सेकंड में क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
स्टेप थर्ड में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना उस टर्म को, ओके, और उसके बाद वाई की वैल्यू पुट कर देनी इस तरह। आई होप आपको समझ आ गया हो, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देख लेना, वहाँ से और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।